अज वर्ल्ड एपीलैप्सी डे दे उत्ते अपने कुछ व्यूज़ पब्लिक नाल शेयर करना चाहना। एपीलैप्सी जिन्हों असी आम तौर पर मिर्गी कहने, एक बीमारी है जिदे कि दौरे पैंदे है, और दौरिया दे विच जिहड़े आम लक्षण होंदे है, सारयां नूं पता है वी अखां चढ़ जांदी है, मरीज़ कुछ टाइम लई बेहोश हो जांदा है और मुँह चो झग निकलती है और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जांदा है। जे वो दो दौरे बिना किसी वजह तो पैन 24 घंटे के अंतर तो बाद फिर असी उन्हों एपीलैप्सी कहने, या दो दौरे जिहड़े अनप्रवोक्ड हो जिन्ना किसी की वजह तो होए उन्हों असी एपीलैप्सी का लेबल दिने। देखो एपीलैप्सी का मोटे तौर पर जो असी माइक्रोस्कोपिक लैवल से देखिए तो वो एक ब्रेन का एबनॉर्मल करंट हैगा जिहड़ा उठता, वो एबनॉर्मल करंट जिदा साढ़े ब्रेन के वायरस होंदिया, वो वायरस का जितों भी शॉर्ट सर्कट हो जाएगा उतों करंट पेगा, वो जो करंट आएगा वो बाहर सानू शरीर से मिर्गी के दौरे वांगू वो होएगा। जे किसी छोटे जे एरिए होंदा है तो बहुत छोटे जे एरिए एपीलैप्सी होंदी है। कई बार तुसीं देखा होना है कि मरीज़ कुछ सिकिंडा लई वो बेहोशी चाहते हैं ठीक हो जाते हैं, या उहदा एक हाथ उस पेशेंट का सडनली झटका मारदा, कुछ टाइम लई झटका मारदा, नाल ही ठीक हो जाता। सो जिन्ना वो शॉर्ट सर्कट का एरिया हैगा वो करंट निकलता है, वो हिसाब से सानू मिर्गी का दौरा बाहर नज़र आ जाता। देखो ये सिमटम्स, सब तो पहला तो मिर्गी का दौरा जिहड़ा वड्डा दौरा जिहदे च असीं आम देखते हैं कि बंदा खड़ा खड़ा गिर जाता, अखां उपर चढ़ा लैंदा, मूँह चो झग आती है, साह औखा औखा लैंदा है, तो हाथ पैर अपने मारने शुरू कर दिंदा। वो सारा कुछ जिहड़ा है एक तो दो मिनट रहिंदा, उस तो बाद मरीज़ बेहोश पिया रहिंदा, तो अद्धे घंटे तक उन्हें होश आ जाता और वो वापस अपने काम पर चला जाता, या कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते जिहड़ी 24 to 48 घंटे रहिंदी है। ये तो जिहड़े कॉमन कॉज है मिर्गी दे, जिहड़े कॉमन टाइप है मिर्गी दी जिन्हों जनरलाइज्ड सीजर कहने आ असी, वो वाली है। दूजे हैगे है कॉम्पलैक्स पार्शल सीजर जिहदे च कि तुसीं देखो बैठे बैठे वो मरीज़ अपने बुलों के उत्ते बुल हिलाने शुरू कर देगा या जीभ मारनी शुरू कर देगा, नाल उहदा एक अद्धा हाथ जिहड़ा हैगा वो एबनॉर्मली मूव करना शुरू कर दिंदा है, या कुछ लोग सिर्फ अखा ही कुछ टाइम लई उपर करते हैं बाकी सारा कुछ ठीक रहिंदा है, या कुछ लोग कुछ टाइम लई कन्फ्यूज गल्लां शुरू कर देंगे या उल्टी सीधी गल्लां शुरू करते हैं और कुछ सैकेंड्स या कुछ मिनट लई हुंदा, वो भी एक तरह की मिर्गी है जिन्हों असीं कॉम्पलैक्स पार्शल सीजर कहने हैं। कई बार असीं बच्चों के विच देखिया कि वो कुछ टाइम लई अखा उपर चढ़ा लेंदे है और 2-4 सैकेंड बाद उन्हां दी एक्टिविटी रुक जाती है, फिर वो कुछ सैकेंड्स बाद रिकवर कर जाते हैं, उन्हों असीं चाइल्डहुड एबसेंस सीजर्स कहने या एबसेंस एपीलैप्सी कहने, जिहड़ी कि बच्चों में सब तो ज़्यादा होंदी है। एक होर तरह के दौरे होंदे है जिन्हों असीं जर्क्स कहने, मायोक्लोनिक जर्क्स, सडनली बैठे बैठे थोड़ा जिहा झटका लगता चीज़ा हाथ चो गिर जाती है, वो भी एक तरह की एपीलैप्सी या मिर्गी का सिमटम है। देखो सब तो पहला ये होंदा है कि पेशेंट नूं तां आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता होंदा, जदों भी उहदा कोई रिलेटिव आएगा वो कहेगा कि मैनूं मिर्गी का दौरा इहनूं पैंदा हैगा, फिर असीं उहदी पुरानी पूरी हिस्टरी लैंदे हां, कुछ सवाल असीं पेशेंट तों पुछदे हां ते काफ़ी सारे सवाल असीं उहनां तों पुछदे हां जिन्हें देखिया होंदा। सो जे पेशेंट दे फैमिली मैंबर ने नहीं देखिया फिर असीं कोशिश करदे हां टैलीफोन ते कॉन्टैक्ट करन दी उस बंदे ने जिहड़ा उत्थे मौका दे सीगा, जिस तरह कि स्कूल दा जां होए ते टीचर नाल गल कर ली दी है। एक वारी मैनूं याद है उस पेशेंट दा किसे नूं नहीं पता सीगा, उहदी जबान कट्टी हुई सी, सिर ते सट वज्जी हुई सी, फिर मैं फोन करके जिथे वो साइकिल ते गिरिया सी उहदे आस पास एक दुकानदार सीगा उहनूं रिक्वेस्ट करके असीं फोन ते उहदी जदों पड़ताल कीती ते देखिया वी उह मिर्गी दा ही दौरा सी। सो वो हिस्टरी लैनी बड़ी जरूरी है बाय द पेशेंट एंड बाय द विटनेस, फिर उसकी ड्यूरेशन देखी दी है, उस तो बाद फिर कुछ टेस्ट है जिस तरह की ईजी हैगा, एक एमआरआई हैगा, कुछ ब्लड टेस्ट है जिदे नाल सानू कारण तो पकड़ आती है।